Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेक्चर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमको और क्या क्या कर लिया था हमने आपको बताते हैं, जिसमें हमने जो है सबसे पहले ट्रेंड लाइन देखी थी, उसके बाद हमने ट्रेडिंग व्यू के टूल्स देखे थे, किस तरह कौन कौन से टूल का क्या मतलब होता है और ट्रेडिंग व्यू किस तरह चलता है। उसके बाद हमने देखा था बाइनेंस क्या होता है, फिर हमने बताया बाइनेंस एक्सचेंज है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट कॉइन्स के अंदर। फिर उसके बाद लेक्चर में हमने बताया कि भाई बाइनेंस चलता कैसे और बाइनेंस में क्या क्या टूल्स हैं जिसके और जिसके तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसी में हम कैसे बाय कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस जैके हम USDT डॉलर, USDT मतलब वही डॉलर होता है, मतलब एक डॉलर के बराबर होता है। अब आज आए हैं हम कि व्हाट इज स्पॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग्स टू टाइप्स की यहाँ पे ट्रेडिंग होती हैं, तो इसमें हमारे पास था, ये हमने पढ़ लिया था व्हाट इज P2P टाइप्स ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, स्पॉट ट्रेड इज अ सिंपली अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर्स एंड अ सेलर टू ट्रेड एट द करंट प्राइस मार्केट रेट नोन एज द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होती है कि हम ट्रेड करें सेलर के साथ करंट मार्केट रेट पे, मतलब कि जैसे हम समझ लें बिटकॉइन है $15,000 का, लेट सपोज $15,000 पे हम करंट प्राइस है मार्केट, हम उसको कहेंगे करंट प्राइस, उस पे हम ट्रेड कर लें कि मैं $15,000 दूंगा और मैंने एक जो है बिटकॉइन ख़रीद लिया है, तो स्पॉट प्राइस होगी। वो क्या होगी, स्पॉट प्राइस। The trade takes place immediately when the order is fulfilled. User can prepare a spot trade in advance to trigger when a specific spot price is reached, known as limit order. अच्छा, दूसरा क्या है, लिमिट ऑर्डर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे ना आगे। मैं चले आप बता देता हूँ, दो तीन होते हैं इसमें। मार्केट प्राइस मीन्स के जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मैंने देखा कि मार्केट की प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 15,200, मुझे एक बिटकॉइन ख़रीदना है, तो मैं अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ बाइनेंस में तो मुझे 15,200 पे ही बिटकॉइन में ख़रीद लूँगा, उसी वक्त मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी, मतलब इमीडिएटली पोजीशन ओपन हो जाएगी। और अगर मैं इसमें हमारी फ़ीस कम करती है, जो फीस लेता है ना बाइनेंस वो कम करती है। और लिमिट ऑर्डर में ये होता है जैसे मैं मुझे काम है भाव, मैं बाहर जाना है कहीं जाना है और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन अभी थोड़ा और नीचे गिरेगा, मीन्स $14,000 पे आएगा, तो मैं क्या करूँगा लिमिट ऑर्डर पे जाऊँगा, वहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ 14,000, लिख दिया मैंने और मैंने बाय का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उससे ही होगा मेरा एक ऑर्डर लिमिट पे लग गया है लिस्ट में, कि जैसे ही बिटकॉइन 14,000 पे आएगा मेरा ऑर्डर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो लग जाएगा। तो स्पॉट में दो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास जिससे हम ईज़िली, एक तो स्पॉट होगा जो आपको बताया था, और के स्पॉट ट्रेडिंग में हम के किस तरह स्पॉट में पहले मार्केट प्राइस में ख़रीद सकते हैं, मतलब हमने ख़रीद लिया और अब हमने उसमें आगे सेल ऑर्डर लगा दिया कि जब $16,000 का होगा तो हमारा सेल हो जाएगा। ऐसे ही जो इसमें दूसरी चीज़ है लिमिट ऑर्डर, कि मैंने लगा दिया लिमिट ऑर्डर के जब 14,000 का होगा जब मैं बाय करूँगा और जब 17,000 का होगा तो मैं सेल कर दूँगा। तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट में बस ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा करती है लिमिट ऑर्डर में, क्योंकि आप उस वक्त कोई जैसे वो आपके लिए ख़ुद काम करेगा, मतलब मार्केट की रेट पे नहीं होगा, आप जो चाहते हैं उस रेट पे ही, मतलब उस जब वो मार्केट उस स्पेसिफिक जगह पे पहुँचेगी तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। बाकी अभी चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे, वहाँ स्पॉट ट्रेडिंग देखेंगे किस तरह होती है और करके भी दिखाएंगे आपको। देखें मार्केट है बाइनेंस में, अब ये मार्केट आ गए हमारे पास, मगर अब हम जो अभी हमें देखनी है चीज़ वो देखनी है अगली हमारे पास क्या थी, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। तो यहाँ हम आए, देखें मार्केट है, मार्केट के बराबर में लिखा ट्रेड, ट्रेड में जैसे ही हम आएंगे यहाँ देखें ये लिखा हुआ है ट्रेड में हमारे पास स्पॉट मार्जिन और ये बहुत सारे हैं, तो हमें यहाँ सिर्फ स्पॉट पे जाना है, क्लिक करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग, देखें खुल गई है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सारे यहाँ ऑर्डर लगे हुए हैं लोगों के, किस किस प्राइस पे क्या ऑर्डर है,
ये वही टाइम है ट्रेडिंग व्यू वाला, बिल्कुल वो है। यहाँ पे देखेंगे ये लगे हुए, ये पेयर्स हैं BTC के साथ पेयर लगे हुए हैं। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो USDT में कर लूँ, क्योंकि हमारे पास USDT होंगी, BTC तो नहीं होगा। देखें यहाँ गए, ये BTC लिखा था, आयरो दिख रहा होगा, BNP USDT में आ गए। USDT के साथ ये हमें ऑल्ट्स कॉइन के ये पेयर मौजूद हैं। तो यहाँ से हमें जो भी ख़रीदना होगा, हम जैसे APT ख़रीदना है हमें, ये हमने यहाँ क्लिक करा, सिंपली आए हमें नीचे, यहाँ स्पॉट लिखा हुआ है, ये आ गया स्पॉट नीचे। ये आप लिमिट में ख़रीदना चाहते हैं, अब लिमिट वही मैंने बताया था। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई 8.25 पे जब ये पहुँचे मार्केट, तो जब मैं बाय करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ आपसे पूछेंगे आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, आप उसका 50% लगाना चाहते हैं, 25% या 100%। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं भाई हम 100% या 50% चाहते हैं। टोटल USDT कितने चाह रहे हैं आप, जैसे मैं 50 लगाना चाह रहा हूँ, तो 50 लगाना चाह रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से बता देगा कि 50 USDT पर आपको 6 APT कॉइन मिलेंगे। तो इस तरह आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जब आप बाय कर लेंगे तो फिर आप सेल का भी यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ से कि भाई मैंने अगर अब बेचना है, मैंने 28 पे ख़रीदा है, तो मैं 30 पे सेल करना चाहता हूँ, मैं दो एक अगर मैं अगर एक APT $6 का है, तो मैं इसको 8 पे बेचता हूँ, तो मैं $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली इधर आएंगे, यहाँ पे प्राइस यहाँ इसको चेंज करेंगे कि 8 का है, तो मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पे 10 पे जब आए तो ये सेल हो जाए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, मुझे लिमिट लगा दें, पता भी ना चले अगर मैं कहीं सो रहा हूँ कुछ भी, तो आराम से। और यहाँ कितने चाह रहे हैं आप, पूरे चाहते हैं बेचना 10 पे, या फिर 50% चाहते हैं, या 25% चाहते हैं, या फिर सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपली होती है यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग। बाकी हम यहाँ पे बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग पढ़ेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा डिटेल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको रिस्क फ्री होती है, इसमें आपको लिक्विडेशन का डर नहीं होता। आप अगर नुकसान में भी जा रहे हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो आपका एक एसेट रहेगा हमेशा के तौर पे, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने एक कॉइन लिया है, बिटकॉइन अगर आपने एक लिया हुआ है, अगर वो $1,000 का भी होता है, तो आप बिटकॉइन ही रहेगा, वो आपका ही रहेगा, बाद में वो दोबारा 10,000 पे भी आ सकता है, तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। फ्यूचर में ये मुश्किल होता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग यही थी यहाँ तक, बाकी ये देख लें अभी पेयर होते हैं सारे, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये मार्केट प्राइस चल रहे हैं, और यहाँ लोगों ने अमाउंट लगाई भी है कि ये लिमिट ऑर्डर लगे हुए, देख रहे हैं अब ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, 62 APT लगे हुए हैं, फिर ये 2 लग गए। तो बाकी अगली वीडियो में हम जो है फ्यूचर ट्रेडिंग देखेंगे, और वो डिटेल में समझेंगे। तो जब तक के लिए आप यही देखें और प्रैक्टिस करें।